देहरा उपमंडल के तहत संसारपुर टेरेस की स्वाखंडन में पानी बढ़ने से एक गाय और उसका बच्चा पानी में फंस गया। पानी के तेज बहाव में घंटों फंसी गाय को जब स्थानीय लोगों ने देखा तो बीबीएमपी कर्मचारियों को सूचित किया गया, जिसके बाद मुख्य अभियंता पोंग बांध अरुण सिडाना और चीफ फायर अधिकारी राजीव सिंह भदौरिया की मौजूदगी में एसडीआरएफ और बीबीएनबी की टीम ने स्वान खंडन में उतर कर उसमें फंसी गाय और उसके बच्चे को कड़ी मशक्कत के बाद बोट में डालकर बाहर निकालने में सफलता हासिल की। आज स्वा खाडे च पानी आया तो इन्दे च पशु सीगे, इन्हां नूं असी वाटर स्पोर्ट्स हिमाचल साडे बीबीएमबी दा फायर टीम ते साडे आरएम ते मकैनिकल डिवीजन दे एक्सियन साहिबान ते उहनां दी टीम असी सारयां ने एक कोऑर्डिनेट करके इन्हां नूं रेस्क्यू कर लिया है सक्सेसफुली। ते मेरा इह निवेदन रहेगा जिहड़े भी लो लाइन च बैठे हैगे है ते ओह आप दे आप नूं सुरक्षित स्थानां ते शिफ्ट कर लैण, क्योंकि मीह बहुत पैण लग रहा है ते पानी दा कोई पता नहीं। कल तां इह सवां खड्ड सुक्की सी ते अज दिने इकदम तों लगभग 10,000 तों उत्ते पानी चलण लग पिया इहदे च, ते आप ते आप नूं सुरक्षित रखण ते रेस्क्यू ऑपरेशन साडा सारां दे करके बहुत वधिया तरां नाल हो गया है। एनडीआरएफ दी टीम हाले नहीं पहुंची जी साडे कोल, उन्हां नूं इतलाह कर दित्ती सी पर हाले तक साडे कोल नहीं। डैम दी पोजिशन अज 1375 तों उत्ते लेवल हैगा, ਜਿਹੜੇ ਇਨਫਲੋਜ਼ ਹੈਗੇ 60,000 ਕਿਊਸਿਸ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈਗੇ ਹਾਂਜੀ। ਆਊਟਫੋ ਤਾਂ ਉਹੀ 40,000 39,000 ਕੁਛ 40,000 ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਖਤਰੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਾਂ 1390 ਸਾਡਾ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ 15 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ कुछ भी नहीं किया जा सकता। वहीं एसडीएम देहरा शिल्पी वेगटा ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और कहा कि सभी सदस्यों और कर्मचारियों ने मिलकर इस रेस्क्यू को सफल बनाया। बीबीएमबी अथॉरिटीज आई थी कि यहाँ पे कैटल जो है स्वा नदी के बीच में स्ट्रैंडेड हो गए हैं और उनका रेस्क्यू करना आवश्यक है, तो रेस्क्यू करने से पूर्व हमें ये देखना था कि हमारे पास नियरेस्ट पॉसिबल क्या क्या चीजें अवेलेबल है। एसडीआरएफ में जो हमारे डीएसपी साहब है मिस्टर सुनील, उनको कॉन्टैक्ट किया गया था कि अपनी टीम को मोबिलाइज करें। इन द मीन वाइल एनडीआरएफ को भी रिक्वेजिशन भेज दी गई थी, उसी बीच हमें ये इन्फॉर्मेशन भी थी कि यहाँ पे हमारा वाटर स्पोर्ट्स को लेके जो इंस्टीट्यूट है दे आर ऑल्सो हियर, तो उनको भी कॉन्टैक्ट किया गया था एंड थैंकफुल एक इन्फ्लेटेबल बोट जो है वो हमारे पास अवेलेबल था। सो इट टुक ऑलमोस्ट 2 hours टू रेस्क्यू दिस एनिमल। इन द मीन वाइल जो हमारे फील्ड फंक्शनरीज हैं उनके साथ टाई अप करके वेटरनरी डिपार्टमेंट को भी बोला गया था ताकि फर्स्ट एड दी जाए। यहाँ पे वॉलंटियर्स थे, एसडीआरएफ से हमारे थे, हमारे जो लोकल फायर ऑफिसर थे वो थे, चीफ फायर ऑफिसर फ्रॉम बीबीएमबी और बीबीएमबी अथॉरिटीज भी थे, तो ये एक ज्वाइंट रेस्क्यू ऑपरेशन रहा है। पंजाब के सिटी टीवी के लिए देहरा से राजीव शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kstreet।